आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जो हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ शहर में बना है। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो बिना कुछ खाए पिए भी जी सकता है। और तो और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर पुरुष के बारे में जिसने अपने पूरे जीवन में 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े हैं। तो ऐसे ही गजब से फैक्ट्स जानने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो आपका ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, अगर हम बात करें एक ऐसे जीव के बारे में जो अपने आंख खोले बगैर देख सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, रियली में एक ऐसा जीव है जो बिना आंख खोले सब कुछ देख सकता है, जिसका नाम है स्किनिक लिजर्ड, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। इस लिजर्ड के आंख के जो पर्दे हैं वो लगभग ट्रांसपेरेंट जैसे ही है। इस वजह से ये लिजर्ड अगर अपनी आंख बंद भी कर देती है तो भी ये सब कुछ देख सकती है ना, बिल्कुल गजब। फैक्ट नंबर 2, अब हम बात करेंगे कैसे जीव के बारे में जो अपने पूरे जीवन में अगर कुछ भी खाए नहीं कुछ भी पिए नहीं फिर भी वो जिंदा रह सकती है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस जीव का नाम है फायरफ्लाई, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिसको हिंदी में जुगनू कहते हैं। ये जीव अपने पूरे जीवन में अगर कुछ भी खाए पिए नहीं तो भी ये जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इस जीव की बॉडी के अंदर से ऐसे एंजाइम ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये अपनी प्यास और अपनी भूख अपने उस केमिकल से बुझा सकती है। इस वजह से ये इंसेक्ट अगर कुछ भी खाए नहीं पिए नहीं तो भी ये जिंदा रह सकता है ना, गजब। फैक्ट नंबर 3, जब से भारत के अंदर कोरोना आया है तब से आपके मोबाइल में जो कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है वो कॉलर ट्यून हमारी गवर्नमेंट ने कंपलसरी इसको रखा है, और इस कॉलर ट्यून की मदद से हमारी सरकार हमें जागरूक करना चाहती है कि हमें कैसे सेफ रहना चाहिए। आपने अपने फोन में ये कॉलर ट्यून तो सुनी होगी। कोरोना वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलर ट्यून आखिर किस लेडी ने बोली है? तो इस कॉलर ट्यून में जिस लेडी की आवाज है उस लेडी का नाम है जसलीन भल्ला, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लेडी है जिसकी आवाज आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एसी का इन्वेंशन किसने किया है? तो जानिए इस फैक्ट के अंदर। एसी यानी कि एयर कंडीशनर का आविष्कार एक प्रिंटिंग हाउस के वातावरण को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। इसका रीजन ये है, ऐसी कई सारी मशीनें होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जिसका यूज करने से उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से वो मशीन खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अगर उस मशीन को हमें लॉन्ग टाइम तक यूज करना हो तो उसका टेम्परेचर हमें नियंत्रण में रखना पड़ता है। इस वजह से एसी की जरूरत रहती है, जिसका इन्वेंशन 1902 में विलियम्स कैरियर ने किया था, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, अब हम बात करेंगे ऐसे शूरवीर के बारे में जिसने 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े हैं, जिनका नाम है राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 यानी के 80 से भी ज्यादा घाव के निशान थे जो उनको युद्ध लड़ते समय मिले थे। और तो और राणा सांगा ने इन युद्ध के अंदर अपना एक हाथ पैर और एक आंख भी घुमा दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 से भी ज्यादा युद्धों में भाग लिया था, है ना, गजब से शूरवीर कि जिनका हाथ पैर कट गया एक आंख भी चली गई फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा और उन युद्ध को जीता भी। फैक्ट नंबर 6, आपने हिस्ट्री में और स्कूल्स में पढ़ा होगा कि विमान का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया है, और ये सच भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई हजारों सालों पहले ऋषि भारद्वाज ने भी विमान शास्त्र के अंदर विमान बनाने की टेक्निक बताई थी? और तो और विमान बनाने की टेक्निक का संपूर्ण वर्णन किया है। और तो और शिवकर बापूजी तलपड़े, जो कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी राइट ब्रदर्स के पहले भारत में विमान बनाया भी था, और वो हमारी हिस्ट्री में भी दर्ज है, लेकिन उनको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ राइट ब्रदर्स ने नहीं लेकिन हमारे भारत के कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जिन्होंने विमान बनाया था, और वो भी राइट ब्रदर्स के पहले। फैक्ट नंबर 7, अगर हम किसी चीज को जीप से चाटते हैं तो उसमें कितनी पावर होगी? क्या हम अपनी जीप से अपने हाथ को चाटे तो हम अपनी स्किन उखाड़ सकते हैं? नहीं ना, लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जो सिर्फ अपनी जीप से किसी भी सख्त चमड़ी वाले एनिमल की चमड़ी उखाड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एनिमल है टाइगर। टाइगर की जीप इतनी शक्तिशाली होती है कि जब भी टाइगर शिकार करता है तब उसके शिकार की चमड़ी वो सिर्फ जीप चाट कर भी निकाल सकता है, क्योंकि टाइगर की जीप में ऐसे कांटेदार स्पाइक्स होते हैं जो स्किन में फंस जाते हैं, और उसके साथ साथ टाइगर की जीप इतनी शक्तिशाली होती है कि वो आराम से किसी भी स्किन को मांसपेशियों से उखाड़ सकती है। सोचिए कि वो जीप कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। फैक्ट नंबर 8, रोना हमारे लिए अच्छा है कि बुरा, आपका क्या मानना है? अगर हम रोते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर में से जो बिन जरूरी कचरा और बैक्टीरिया उन आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और हमारी आंखें बिल्कुल साफ हो जाती है। तो जब भी हमें रोने का मन हो तो पेट भर के रो लेना चाहिए, उससे हमारा मन भी हल्का हो जाता है और हमारे शरीर के कुछ अननेसेसरी बैक्टीरिया भी उस आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो रोना बुरा भी है और अच्छा भी है। फैक्ट नंबर 9,
हम जब भी मॉल में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तब हम जो भी सामान खरीदते हैं उसके पैकेट के पीछे एक बारकोड स्टिकर जरूर होता है जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस बारकोड स्टिकर के अंदर उस प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स होती है जो कि एक बारकोड स्कैनर की मदद से ली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बारकोड स्टिकर में ब्लैक स्ट्रिप के अंदर सभी डेटा रहता है या फिर व्हाइट स्ट्रिप में सभी डिटेल्स होती है? इसका रियल फैक्ट तो ये है कि रियली में इन ब्लैक स्ट्रिप पे नहीं लेकिन बीच में जो आपको व्हाइट स्ट्रिप्स दिख रही है उसमें प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स होती है। क्या आप ये फैक्ट जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10। तो अब हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी ओपनिंग हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ शहर में हुई है। जूनागढ़ के अंदर गिरनार पर्वतमाला है जिसकी हाइट तकरीबन 2.3 किलोमीटर है और उसमें 9999 स्टेप्स है और ये गुजरात के सौराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्वत है जिसमें रोपवे बनाने का प्रोजेक्ट तकरीबन 30 साल से मोदी जी के दिमाग में था और ये हमारे पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। तो 30 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया है और 24 अक्टूबर 2020 को इसका ओपनिंग भी मोदी जी के हाथों हो गया। ये एशिया की सबसे बड़ी रोपवे सिस्टम है जिसमें 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं और इसमें तकरीबन 8 पिलो है और ये रोपवे 2.3 किलोमीटर का अंतर सिर्फ 7 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि नीचे से अगर ट्रॉली स्टार्ट होती है तो ऊपर तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट का ही समय लगता है और उसमें 1% की टिकट की कीमत लगभग 750 रुपये जितनी रखी गई है जिसमें लगेज चार्जेस अलग से होते हैं। और ये प्रोजेक्ट का निर्माण ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने किया है जिसका नाम है उर्सा ब्रिको। ये कंपनी ने इस शानदार प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और तो और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टोटल खर्च 130 करोड़ जितना माना जा रहा है जो काफी ज्यादा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से जूनागढ़ के अंदर टूरिस्ट की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और उस रोपवे में बैठ के आपको नजारे भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलेंगे। तो एक बार वेकेशन में टाइम निकाल के इस रोपवे प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाएगा जरूर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही गजब से फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू एंड टेक केयर।